Después de partir de más, entonces cuando partimos a de a base y sida, bien que barata en de mi duri para dar porque sabe bien bacao está partimos de duri por piche, banta y sida pone candida a de golle de pan. ऐसे दर्पण जिनके प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनके प्रवर्तक पृष्ठ पृष्ठ गोलीय हो कोमा गोले दर्पण कहलाते हैं। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला है अपन अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का गोले का कटा हुआ भाग भाग माना जा सकता है। अतः वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ प्रश्न अंदर की ओर दसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल में अवतल दर्पण को अभिसरी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को किरणों को प्रवर्तन के बाद
एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे कोई कोकला बोला है, इसके दो भाग कर दिए, भाग ए और बी। अब यदि एक भाग को लेकर मैं बाकी तक पॉलिश कर दूं तो ये अंदर दर्शाओ भाग है, ये परावर्तक पक्ष है। यह है अवतल दर्पण। अब यह मुख्य अक्ष के दर्पण के प्रमुख पोस्ट का मध्य बिंदु होता है, वो दर्पण का ध्रुव ओ होता है। अब यह कह रहा है कि इसको अवतल दर्पण को विषय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्र तक केंद्र सी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये समांतर किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। ये इसका मुख्य पक्ष है। आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। तो ये कह रहा है इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो रही मुख्य पोक्ष के ऊपर दोनों किरणें मिल रही, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। फिर दूसरा है वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण को अस्थायी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अस्थायी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आपतित किरणों को परावर्तन के बाद फैला देता है।
प्रवेश कर दी तो बार वाला भाग है वो प्रवर्तक पृष्ठ हो गया, तो ये हो गया प्रवर्तक पृष्ठ। ये उत्तल दल, अब इस क्रॉस सर क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है, परावर्तन के बाद फैल जाती है, लेकिन इनको अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य पक्ष एफ से आती हुई प्रतीत होती है। अतः उत्तल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब होते हैं आवासीय होते हैं। और यह है परावर्तित किरण। यह हो गया अपन के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यह तो किरणों को केंद्रित कर रहा है और यह फैला रहा है।